शहर वासी ये अपील है कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ पिछड़ा अभियान है इसी सफल करो क्योंकि अज तुम देखो स्मार्ट मीटर सारे लोगों के उपर जरा सिग्नेचर अभियान चला करने सारे चार चार पांच पांच हजार रुपया बिल्कुल कुत्थू दे पागे इस करिए सारे शहर के मीटर है जरा लोग जेब डाका आया है तुम जेड़े भी साढ़े साथी दिखा करते हैं चाहे गड्डी जा करते हैं चाहे धनी वक्त है चाहे बरवाल का है चाहे नन्न भलड़ गाटी बलोर बनी बसोड़ी का है कोई भी तरह का उपर आइए साइन करना चाहिए आपत्ति दर्ज करनी चाहिए क्योंकि पांच पांच हजार स्मार्ट मीटर का बिल है जा चुकी है उस आफत के खिलाफ सानू किट्ठे होइए बोलना चाहिए लड़ना चाहिए अभियान हिस्सा लो अपनी आपत्ति जी है और दर्ज कराओ अपने साइन लाई ताकि ये साइन जरा सरकार तक पहुंचाई पाइए और करी पाइए अस सारे की जिन्हें भी कठुआ के न्याय पसंद साथी ने जो चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर का जो बोझ है सारे जेबे पर नहीं पवे क्योंकि चार कार चला मुश्किल है अज पांच पांच छे छे हजार के पर नौकरी करिए जरा नौजवान जारी रहे ताकि लोगों का जरा विरोध अस सरकारी दस पाइए देखो थोड़े सिग्नेचर करा करते हैं अस जरूर सारे आगे माता भैने की आते जाते जरूर साइन करते जाओ अज तीसरा दिन है वह चला रही है कालीवेड़ी के अंदर सारे मेरे राहगीर भरा आटो ड्राइवर आने जाने वाले रेड़ी फड़ी वाले दुकानदार अपने जिन्हें भी साथी फुटपाथ पर खड़ोते हैं मेरे मोटरसाइकिल पर जाने वाले भैन भरा बुजुर्ग मेरे साथी हम उम्र स्टूडेंट इन्हें सारे की अपील है कि अपना एक मिनट कढ़िया स्मार्ट मीटर के खिलाफ जिहड़ा सिग्नेचर कंपेनिंग चला रहा है उहदा हिस्सा बन थोड़ा एक सिग्नेचर थोड़ा एक साइन इस पॉलिसी की रद्द कराने च एक अहम रोल निभाई सकता है इस करिए मेरी ये सारी बेनती है मेरे मैडोर वाले ड्राइवर भरा मैडोर च बैठे दी सवारियां जड़ियां उतरा दियां चढ़ा दियां उन्हें सारे की अपील है कि वह आन और सिग्नेचर करिए जान क्योंकि स्मार्ट मीटर जरा है वो सिर्फ और सिर्फ इतने बैठे दे पांच लोगों का मसला नहीं है और वो इंसान जरा इसलिए मूव कर रहा है। भारत में प्रदीप अम्बेडकरी प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज तीसरा दिन है हमारा सिग्नेचर कैंपेनिंग का उसको भी कवर करने के लिए आए हो। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज पहले सबसे पहले हमने मुखर्जी चौक में जो सिग्नेचर कैंपेनिंग कराए थे उस दिन नियर अबाउट 1200 लोगों ने वहाँ पर सिग्नेचर कर अपना विरोध जताया और कल हमने शहीदी चौक में भी नियर अबाउट 1000 से ऊपरी जो साइन थे वो करवाए और आज इधर भी 600-700 के करीब जो साइन लोगों ने अभी तक कर दिए हैं और लोग भरपूर सहयोग दे रहे हैं और लोगों की भरपूर मांग है कि जे कठुआ में क्या पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी जो स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए क्योंकि इससे लोगों की जेबों पर डाका डलेगा और गरीब जनता के लिए जीना बेहाल हो जाएगा। और लोगों का कहना है जब उनको समझ आ रही है पता चल रहा है कि बिजली जो जम्मू कश्मीर में पैदा हो रही है और हमारे लोगों को ही महंगी दे रही है और जम्मू कश्मीर से बिजली जो पंजाब या हरियाणा जो खरीद रहे हैं वो अपने लोगों को फ्री में बिजली दे रहे हैं तो इधर ऐसा क्या कारण आ गया है कि इधर हमें इतनी इतनी महंगी बिजली मिल रही है। और हम आपके माध्यम से मानजोग DC कठुआ या मानजोग MLA साहब से मुख्यमंत्री साहब से सबसे हम अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं इनके लिए ऑफिशियली आप ऑर्डर निकालो ताकि जे जम्मू कश्मीर की जनता पर बोझ ना बने अन्यथा आने वाले टाइम को आपको भी लोग नकार देंगे। और हम चाहते हैं कि DC कठुआ भी जल्द से जल्द कोई एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाल कर कठुआ में जो मीटर लगवाना बंद करवाए क्योंकि अभी कठुआ में मीटर लगना तो बंद हुए हैं लेकिन वो टेम्परेरी तौर पर हुए हैं वो यही चाह रहे हैं कि अब जो प्रोटेस्ट कब बंद करते हैं और उसके बाद हम दोबारा शुरू कर देते हैं। आपके माध्यम से हम DC कठुआ और मानजोग MLA साहब और सरकार को भी उमर अब्दुल्ला साहब को भी जताना चाहते हैं कि आप जे मत लुका छुपी वाला खेल खेलना बंद करो और फौरी तौर पर जो है लोगों को राहत देने के लिए एक ऑर्डर निकालो जिससे कठुआ की जनता को राहत मिल सके। जनजाति मंच का सदस्य अस ये पुछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की जी गवर्नर प्रशासन है या जी नवी सरकार बनी दी है साढ़े जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी कि हफ्ते जी बत्ती फ्री नहीं दे सकती अदर स्टेट के अंदर जी जम्मू कश्मीर की बत्ती बेची जा करती है पंजाब के अंदर 600 यूनिट जी आखा करते फ्री थवा दी है हरियाणा के अंदर उत्थ होती है कुछ दिल्ली के अंदर फ्री दी जा करती है और सारी जम्मू कश्मीर की बत्ती जा करती है और जम्मू कश्मीर की जी बत्ती पैदा होती है इन्नी खपत नहीं होती और जम्मू कश्मीर के लोगों की स्मार्ट मीटर देई है और उद्दे पर बोझ डाला करते हैं ये सरकार
अस कदे बर्दाश्त नहीं करते। और जम्मू कश्मीर के लोगों की बत्ती फ्री थोनी चाहिए है, जेडे पहले डिजिटल मीटर लगे 4 साल नहीं हुए उसी लगे इन्हें चेंज करिए, उनका जोड़ा बोझ लोगों पर पिया करता था वो नहीं पूरा करी पाए। और नवी सरकार ने स्मार्ट मीटर राही लोगों के जेबे पर बोझ डाला कर दिया। जम्मू के अंदर पता कर लो हर कुसे की जरा स्मार्ट मीटर राही बिल जरा डबल देने पवा करता और लोग त्रस करा करते हैं। अस कठुए के अंदर इस मुहिम की लगातार लेकर लगे हैं और अस इं चलते रहोगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्हें भी न्याय पसंद लोग ने इस चीज़ के उपर बोलो, जूथा लगे उन्हें बंद किया जाए और जूथा लाने की कोशिश सरकार करा करती है उस एग्रीमेंट ही कैंसल किया जाए। कठुए अंदर टैंपरेली बंद किए हैं। मैं एक गल ही अंदर टैक्नीकल और चीज पूछना चाहना, जेडे भी इतने JEE एक्शन है उनकी एक स्टेटमेंट नहीं आई है बिजली डिपार्टमेंट की कि मीटर के उपर क्या, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट कंपनी दे दिता और ये पर ना कि बिजली डिपार्टमेंट का कंट्रोल है क्योंकि ये मैनुपलेट हो सकता है। इतने साइबर क्राइम के इन्ने कंप्लेन साढ़े कठुए डिस्ट्रिक्ट अंदर SSP को पेद है, वो अज तक एक भी कंप्लेन नहीं फड़ी सके साइबर क्राइम के तहत। लोगों दिया फोन हैंग हुआ दे, फेसबुक आइडिया हैंग हुआ दी, उन्हें नहीं फड़ी पाए। कल की मीटर जोड़ा मैनुपलेट हुई है हैंग हुई है, जिम्मेवारी की है? ये निकम्मी सरकार है, इनके को सर्वर के क्राइम फड़ने वास्ते कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और अज तक ना फड़ी पाए। और स्मार्ट मीटर के अंदर भी इं होग, अस इसका पुरजोर विरोध करा रहे हैं, सिग्नेचर कंपेन करा रहे हैं। अज भी 600-700 लोगों ने सिग्नेचर कंपेन करी है, शहीदी चौंक मुरजी चौंक अज कालीवड़ी है और अगर इं हस्तक्षेप के जो सिग्नेचर कंपेन चलते रहोग। और आने वाले दिनों में अस ग्रां के लोगों की इसका अवेयर करा करें और लोगों का भरपूर समर्थन मिला करता। लोग कदम इसी एक्सैप्टिंग करेंगे स्मार्ट मीटर की और लोगों जेब डाका जो पवा करता अस इसी नहीं पाते के अंबेडकर सैना मूल निवासी और जन जागृति मंच से लगे। इस तो अलावा भी असें यूनाइट फ्रंट का बैनर लाया है, वो अंदर हर एक पोलीटल पार्टी हर एक संगठन हर एक सिविल सोसायटी लोगों की आह्वान किया, यूनाइट फ्रंट के बैनर थले अच्छे सिग्नेचर कंपेन है।